वेल्डिंग के अंदर हम जानते हैं जब हम दो प्लेट्स को या दो रोड्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं उसको बट वेल्ड बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी थिन सीट्स को या थिन रोड्स को कनेक्ट करने के काम आता है। कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मर विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स और टू क्लैंप्स। इसके अंदर हम दो क्लैंप्स यूज करते हैं, एक फिक्स होता है और एक मूवेबल। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और हमारे पास दो क्लैंप हैं जिनमें एक मूवेबल क्लैंप है और दूसरा ये फिक्स क्लैंप है। फिक्स क्लैंप हमारा फिक्स रहेगा, मूवेबल हमारा मूव करेगा, और ये दोनों कनेक्ट हैं हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। इन दोनों क्लैंप्स के अंदर हम रखते हैं अपनी जो पीसीज हैं हमें वेल्ड करने हैं, तो एंड टू एंड वेल्ड होता है बट वेल्ड। तो ये जो मूवेबल क्लैंप है, जब हम पहले तो इस मूवेबल क्लैंप को मूव करेंगे और इसके कॉन्टैक्ट में ले आएंगे, तो मूवेबल क्लैंप मूव करेगा और इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। फिर हम करंट की सप्लाई को ऑन कर देंगे, तो करंट की सप्लाई ऑन होगी तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा, एक तरह की आर्क क्रिएट होगी जो इस एंड टू एंड कॉन्टैक्ट को गर्म कर देगी बिल्कुल से, और गर्म करने के बाद यहाँ पे मेटल फ्यूजन पॉइंट तक पहुंचेगा और ये दोनों मेटल ज्वाइन हो जाएंगे। ये होती है बट वेल्डिंग।